हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो विल डिस्कस क्लास 8 ओडिशा आदर्श विद्यालय होल्डो हमक फिफ्थ वीक समर वेकेशन 2025-24-25। क्वेश्चन नंबर 1 इज निबंध बसंत ऋतु। बसंत ऋतुर निबंध लिखा एसे यहाँ 10 सेंटेंसेस बसंत ऋतु विषय लिखाई यहाँ 100 वर्ड्स भितर तालू पुणी 200 वर्ड्स पी मुझे तेज़ जदि 100 वर्ड भितर लिखापी कह टीचर किसी कारण क्वेश्चन किसी उल्लेख ना तुम ये 100 वर्ड वाला लिखने वो यहाँ 10 पॉइंट्स। ओके, जदि कहती ना 200 भितर दरकार तापरटा लिखा वीडियो को पॉज करके लिखने वा ये पॉइंट 2 जाए है पॉइंट 3-4 देन 5th पॉइंट 6th पॉइंट देन 7-8-9-10 पॉइंट। ओके, अच्छा सेटा 100 वर्ड्स भितर आउ एटा 200 वर्ड्स भितर वीडियो को पॉज करके लिखने वा क्लास 8 पई हे तो ए 200 वर्ड्स टा ठीक एप्रोप्रिएट हबो कारण क्लास 6-7 पई से 10 सेंटेंसेस ठीक अछि तेणु एटा लिखने वा 200 वर्ड्स जेकोसी गोटे लिखा। ओके, आइदर से 10 सेंटेंस और ए 200 वर्ड्स भितर। नेक्स्ट बस ये लिखबार अच्छी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा। क्वेश्चन इज आवेदन पत्र प्रधानाचार्य को अपनी पारिवारिक स्थिति बताते हुए शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। गोटे आवेदन पत्र लिखे आप्लिकेसन टू योर प्रिंसिपल परिवार रे टिके जो तुम जो मंथली फीस देवाई असमर्थ होती से प्रधानाचार्य को लिख कि तुम जो मंथली फीस शुल्क मुक्ति छाड़पाई या को एमती स्टार्ट करवा प्रथम यहाँ उपरे लिखा पड़ा जो टू दि प्रिंसिपल जो लिखते ना यहाँ सेवा में प्रथम लिखा सेवा में तापर प्रधानाचार्य तापर यहाँ तुम स्कूल नेमटा यहाँ स्कूल नेम आ स्कूल स्थान नाम ये लिख ओडिशा आदर्श विद्यालय ये लिख तुम से सिटी ना जो ठीक अच्छे ढेंकनाल कि बरगढ़ ना केउंझर। ओके, ये ओडिशा विद्यालय ये जगह ना होगा तापर नेक्स्ट लिखा जाए तले विषय लिख विषय शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र यपर आम जो डियर सार लिखती सीटा हूँ महोदय तापर कंटिन्यू कर जमी लिखा अच्छे सविनय बिना है कि मैं आनंद पब्लिक अच्छा आनंद पब्लिक स्कूल में कक्षा ये जो आनंद पब्लिक स्कूल यटा को तुम्हें ओडिशा आदर्श विद्यालय लिख ओडिशा आदर्श विद्यालय में कक्षा 8 ठीक सान कर बस बड़ा हो कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मो बापा जड़े कृषक अटंती किसी प्रकार से वो मेरी पढ़ाई और घर का पालन पोषण की जिम्मेदारी लिए हुए थे कौन सी प्रकार मध्य मोर जो पढ़वार सब दायित्व ने परंतु कुछ ही दिनों पहले उन्हें कुछ बीमारियों ने ग्रसित कर लिया किंतु किसी दिन पूर्व बापा को किसी गोटे बीमारी हो जाए रोग जिस वजह से अब वह कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और वह मेरी स्कूल की फीस नहीं दे सकते हैं एवं से मोर स्कूल फीस दे पारे ना। मैं आपको यह ज्ञात दिलाना चाहता हूँ कि मेरी स्कूल से संबंधित गतिविधियों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। मुँह आपको जानापी चाहे मु विद्यालय रे भलो मार्क रखे भलो पाठ पढ़े और मेरा कक्षा में प्रथम स्थान रहता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी शुल्क को पूर्णतः माफ कर दें। मुँह को विनम्र अनुरोध करुच्छे कि आप मोर जो फीस संपूर्ण क्षमा कर दियंतु बा आदो दे परबि नहीं जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकूँ। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। मुँह बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करी तापर आपका आज्ञाकारी शिष्य ये गोटे कमा दब आते तुम नेम लिख युम श्रेणी कक्षा लिख कक्षा बास ये लिखबार अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन करवा।
एबे क्वेश्चन अछि व्याकरण संज्ञा विभाग रु बहुविकल्पी माने एमसीक्यू वाला फर्स्ट क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 1 व्याकरण में नाम शब्द कहलाते हैं। व्याकरण रे जो नाम शब्द एटा थाय संज्ञा तेणु ए डबल आईटा टिक करिबा। तापरे 2 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण में व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं एटा हम जानते 3 भेद तेणु ऑप्शन नंबर डबल आईटा को टिक करिबा। तापरे क्वेश्चन नंबर 3 जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा एटा तुम जानिछ ये होची व्यक्तिवाचक तेणु आईटा टिक करिबा। तापरे 4 जो शब्द अपने संपूर्ण जाति का बोध कराए वह कौन सी संपूर्ण जाति को बोध जणे थाए दर्शाए थाए सेटा होची जातिवाचक तेणु डबल आईटा टिक करिबा। ओके दिस वन डबल आई ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है अच्छा केवल अनुभव ही करहेबो एटा हबो ए भाववाचक ट्रिपल आईटा ठीक करिबा। ट्रिपल आई यस एतिकरे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाउची। नेक्स्ट वीडियो रे 6th वीक वाला वीडियो अपलोड करा हबो। इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। कीप लर्निंग स्टे कनेक्टेड। वंदे उत्कल जननी।